नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद संगीत में। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जो लोग चैनल पे नए हैं जरूर जाके उसको देखिए। जो भी चीजें मैं शेयर करता हूँ, जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी म्यूजिकल थॉट, जो भी कंटेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने म्यूजिकल जर्नी में उतारिए, अपने लर्निंग में उतारिए और कोशिश करिए कि आप इससे कुछ फायदा उठा सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू जब मैंने किया था ये चैनल तो मैंने सोचा था कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, वो भी एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का, वो जरूरी है। जब आपके फीडबैक आते हैं मेरे पास और जब आपके कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है कि आपको मेरा काम जो है उससे आपको कितना फायदा हो रहा है, और वो फायदा जो हो रहा है वही मुझे लगता है वही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सब्सक्राइब तो वो करेंगे ही जिनको इसका फायदा होगा, जिनको चीज़ें पसंद आएंगी, पर सब्सक्राइब करने या लाइक करने और शेयर करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई चीज़ मेरे वीडियो की पसंद आ रही है, कोई चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है, तो आप उसको अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करिए, उसको अपने म्यूजिकल जर्नी में फॉलो करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, आपको लगेगा कि आपके काम की चीज़ है आप ज़रूर करेंगे, नहीं लगता तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बात आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, वही मेरे लिए सब्सक्रिप्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट बताता हूँ मैं वैसे, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे संगीत में चार वर्ण हैं जिसका यूज़ करके हमारा जो संगीत है वो बनता है, और इन्हीं वर्णों का यूज़ करके हम अपने अलंकार, तान, पलटे, अलाप सारी चीज़ बनाते हैं। तो अगर आपको ये वर्ण समझ में आ जाएंगे तो आपको पलटों या अलंकारों के लिए या तालाब बनाने के लिए आपको किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि आप किसी का कंटेंट कॉपी करें या किसी से सुन करके कोई चीज़ करें, खुद से भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो आज ये चार वर्ण क्या हैं और इसका कैसे यूज़ करना है, कैसे खुद के तान, खुद के पलटे, खुद के अलंकार बनाना है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारे संगीत में चार वर्ण हैं जो कि है आरोही, अवरोही, स्थाई और संचारी। जैसे कि नाम से ही पता है, आरोही मतलब चढ़ता हुआ या आगे जाने वाला, अवरोही मतलब पीछे जाने वाला या उतरता हुआ, स्थाई मतलब एक ही जगह पर जो रहे, जो अपनी जगह से हिले नहीं, और लास्ट संचारी है जो इन तीनों का मिश्रण है। तो आप कोई भी अलंकार देखेंगे, कोई भी पलटा देखेंगे, उसमें आप पाएंगे ये चारों वर्ण। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है तान बनाने की, तान सोचने की, खुद के तान बनाने की, बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं आरोही वर्ण क्या है। कोई भी स्वर का जब चढ़ता हुआ क्रम हम गाते हैं, जैसे सा रे गा मा पा, ये आरोही है, या सा रे गा मा पा, है ना, ये स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम है। सा रे गा मा पा गा मा पा धा, स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, ये है आरोही वर्ण। अवरोही इसी का उल्टा होगा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा, या सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा, ये अवरोही है। अवरोही मतलब स्वरों का उतरता हुआ क्रम। स्थाई क्या है, एक ही स्वर को बार बार गाना, ये है स्थाई वर्ण। जैसे सा 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 रे 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 रे, जब मैंने सा सा गाया एक स्वर को दो बार तो वो स्थाई वर्ण हो गया, जब आगे चला गया तो आरोही हो गया। उल्टा हो सकता है इसी के साथ में, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, ये हो गया अवरोही और स्थाई एक साथ। तो इस तरह से हमने ये तीन देख लिए। अब जो संचारी है ये इन तीनों का मिश्रण है। तो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स पलटे होते हैं या कॉम्प्लेक्स अलंकार जो थोड़े क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं, वो इन तीनों के मिश्रण से ही बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सारे सारे ग रे सारे सारे ग रे ग ग रे सा, एक टुकड़ा पलटेगा, रे ग रे ग म ग रे ग रे ग म ग म म ग रे ग म ग म प म ग म ग म प म प प म ग। तो ये तीनों का मिश्रण से मैंने एक कठिन पलटा बना दिया, एक थोड़ा सा और एडवांस। तो जो एडवांस पलटा गाते हैं वो इसी का यूज़ करके ही गाते हैं, और ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप दो तीन पलटे लीजिए और उसको एक साथ मिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम जो पलटे गाते हैं, सा रे ग रे ग म ग म प, ये तो फेमस पलटा है ही, सा रे ग म प फेमस है, ये सब गाते हैं। इसी में थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, जैसे सा रे ग रे ग म को सा रे ग रे सा रे ग रे सा रे ग, तो सा रे ग रे सा रे ग रे सा रे ग रे सा रे ग, उसको मैंने अवरोही आरोही दोनों मिक्स कर दिया। अभी तक था सा रे ग म ग म प,
उसमें मैंने सारे गा रे सारे गा रे सारे गा रे सारे गा रेगा मा गा रेगा मा गा रेगा मा गा रेगा मा, तो ये मैंने उसको आरोही अवरोह को मिक्स करके दिया। इसी में अगर मैं स्थाई मिक्स कर दूँ सारे गा गा रे रे सा सा रे गा मा मा गा गा रे रे गा मा पा पा मा मा गा गा, तो स्थाई और अवरोही, आरोही तो थाई, मैंने स्थाई और अवरोही मिक्स कर दिया, तो बन गया संचारी। इस तरह से आप अलग अलग वर्णों का उपयोग करके, और ये जो तीन वर्ण हैं शुरू के, आरोही अवरोही और स्थाई, ये तीनों ही आपके गले में होना चाहिए, तब आप कोई चीज़ अच्छे से गा पाएंगे, उसके बगैर आपका गला चलेगा नहीं। आपको ये तीनों वर्णों को इंडिविजुअली पहले प्रैक्टिस करनी है। पहले आरोही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अवरोही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, स्थाई को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इनका मिश्रण करके संचारित करिए, इसका मिक्सचर करके एक ब्यूटीफुल सा पलटा या अलंकार बनाइए और इसको प्रैक्टिस करिए। जब आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको याद करके नहीं गाना पड़ेगा, आप ऑन द स्पॉट जब आपके स्वर पक्के हो जाएंगे और आपको स्वर का स्थान सही लगने लगेगा और स्वर में आना जाना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपका गला भी चलने लगेगा, तब आपको कोई पलटा याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं कोई पलटा याद करके गाऊं, नहीं याद तो कुछ नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो चाहिए जैसा चाहिए तभी के तभी आप क्रिएट करके गा सकते हैं। यही हमारे इंडियन म्यूज़िक की खासियत है कि हम जैसा म्यूज़िक हमको चाहिए हम उसी वक्त क्रिएट करते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक की, शास्त्रीय संगीत की यही खूबी है कि कोई चीज़ इसमें सेट नहीं होती कि एज इट इज़ जाएगा, इसका फ्लो ऐसा ही होगा, वो ऑन द स्पॉट क्रिएटिविटी होती है। ऑन द स्पॉट हमको जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, जैसा भाव आता है वैसा हम बनाते हैं, उसमें पैटर्न बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, और तान में भी वैसा ही होता है। तो तान क्या है, पलटों का ही मिश्रित रूप तान है। पलटों को ही जब हम मिश्र करते हैं, अलग अलग पलटों को मिश्र करके गाते हैं, मिश्रित करके गाते हैं, तो वो तान बन जाता है। तान जो है वो राग के हिसाब से होता है, पलटा वो मुक्त होता है, पलटा भी आप राग में डाल सकते हो, पर तान जो होता है वो थोड़ा सा मुक्त होता है, उसमें एक पैटर्न नहीं चलता, उसमें कई पैटर्न आप मिक्स कर सकते हो। तो ये जो चार वर्ण मैंने आपको बताए हैं ये आप प्रैक्टिस करिए। अब क्योंकि आपको मैंने ये चार वर्ण बताए हैं तो एक पलटा भी आपको मैं इसके साथ में दे रहा हूँ, इसका एक टुकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, इसका एक टुकड़ा लिख करके बाकी के टुकड़े आप खुद से बनाएंगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आरोही अवरोही दोनों, ठीक है। पहला फ्रेज मैं आपको दे रहा हूँ, एक पूरा फ्रेज है पलटे का, उसको मैं आपको टुकड़े में बता रहा हूँ, बाकी का बाकी के स्वरों पे इसी तरीके से उसको लेकर के जाना है। पहला टुकड़ा जो इसका ये है, सारे गे, ठीक है, सारे गे सा रे सा गे, ठीक है, इतना समझ में आए, सारे गे सारे गे सा गे, यहाँ तक हो गया, रे गे सा, ये पूरा एक पलटा हुआ, एक टक पलटे का एक पूरा पैटर्न, इसी पैटर्न को आगे लेकर के जाना है। अभी पूरा मैं एक साथ आपको बताता हूँ गाके, पहले फिर से एक बार टुकड़े में बता देता हूँ, फिर ये पूरे टुकड़े को ऐड करोगे तो एक कड़ी बनेगी इसकी पलटे की, सारे गे सा गे रे गे सा, ये हो गया पूरा एक कड़ी पलटे की। अब इसको एक साथ गाएंगे तो सारे गे सा गे रे गे सा, आगे जाएंगे, रे गा मा गा रे गा मा मा गा रे मा गा रे मा मा गा गा मा 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 गा रे, समझ में आ गया। पहला पलटा हुआ, पहला टुकड़ा हुआ, सारे गे सा गे रे गा 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 रे सारे गा मा गा रे गा मा मा गा रे मा गा रे मा मा गा गा मा 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 गा रे, इसी तरीके से आगे जाना है, आते वक्त भी इसी तरीके से आना है। तो ये जो एक पलटा मैंने बनाया है आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, इसको आप प्रैक्टिस करिए और अपने पलटे बनाइए, जितने हो सके उतने बनाइए और देखिए आपको कितने अच्छे से कोई एक पलटा आता है। देखिए, म्यूजिक इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉपिंग, म्यूजिक इज़ अबाउट हाउ यू क्रिएट अ डिफरेंट साउंड, अ न्यू साउंड। तो सिर्फ कॉपी करना ही म्यूज़िक नहीं, आप खुद की भी एबिलिटी डालना शुरू करिए, खुद की भी क्रिएटिव एबिलिटी को टेस्ट करिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए धीरे धीरे ही सही, आसान तरीके से ही सही, मुश्किल ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में ही मुश्किल चीज़ ट्राई करिए, आसान चीज़ से शुरू करिए, एकदम सिंपल चीज़ पर आपकी अपनी हो, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको नई चीज़ करने का एक मोटिवेशन भी मिलेगा।
तो इसी के साथ मैं ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसको कोशिश ज़रूर करिएगा और बताइएगा मुझे आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। पर ये जो एक्सरसाइजेस हो, करने से पहले आपका स्वर पक्के होने चाहिए, आपकी आवाज़ का प्रोडक्शन सही से होना चाहिए। उसके लिए मैंने सारे एक्सरसाइजेस ऑलरेडी चैनल पे दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस पर आइए। ये उन्हीं के लिए है जिनकी आवाज़ सही तरीके से निकल रही है, जिनके स्वर स्थान पक्के हैं, जो स्वर को सही तरीके से लगा सकते हैं। पर एज अ बिगनर अगर आपको ट्राई करना है इसको, तो आप नए नए पैटर्न ट्राई करिए, कोशिश करिए, सिंपल पैटर्न से शुरू करें ताकि आपको स्वर दिखाई दें। और सिंपल से ही शुरू करिए, लय भी ऐसी रखिए कि आपको स्वर लगाने में आसान हो। ज़रूरी नहीं कि फास्ट लय में गाया तो ही संगीत होता है। स्वर में गाना है, सही स्वर में गाना है, वही म्यूज़िक है, भले वो स्लो भी हो तो क्या हुआ। आज के लिए बस इतना ही, आप करते रहिए प्रैक्टिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और इसका फ़ायदा उठाइए। और सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई बात नहीं, आप इसका जो कंटेंट का जो एसेंस है वो समझिए और इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।